देखिए, यह तो तय सरकार को करना, और कोर्ट का जो आदेश अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें सरकार से यह पूछा गया कि हिंदी कहाँ कहाँ नहीं बोली जाती है, और आपने उर्दू जो थोपा है लोगों पर, उर्दू कहाँ कहाँ बोली जाती है। सरकार अपना पक्ष भी नहीं रख पाई, और नियोजन नीति को कोर्ट ने भी द्वेषपूर्ण माना कि राज्य के बाहर में कुछ लोग अगर पढ़ के आए हैं तो यहाँ के नौकरी में आवेदन करने के भी योग्य नहीं है। तो इस विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से सरकार को बचना चाहिए था। बच्चों में भेद ना करें, क्योंकि अगर बुनियाद आप कमजोर डालेंगे तो इस राज्य का भी भला नहीं होने जा रहा है। अब आने वाले दिन में क्या होगा, कौन सी नीति लेकर ये आएंगे, क्योंकि सरकार में ही विरोधाभास है। एक तरफ जो पार्टी सरकार चला रही है उसके प्रवक्ता कहते हैं कि हम नई नीति लेकर आएंगे जो सेशन आने वाला है उसमें, दूसरी ओर राज्य के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पहले ये तय कर लें कि इनको करना क्या है। तो वह पोह की स्थिति है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।